स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है ग्लोबल लॉजिक की तरफ से। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग निकल कर आ रही है और यहाँ पर देखिए कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। साथ ही देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने यहाँ पर फ्रेशर हैं आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर कई सारी वैकेंसी निकल कर आ रही है और जो है वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप लोग को पता चल सके कि इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। तो गाइज, इसमें जो है दो फॉर्म्स दिए गए हैं, उन दोनों फॉर्म्स को मैं बताऊँगी किस तरीके से फिलअप करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर जान लेंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पर थोड़ी कंपनी के ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज, ये जो कंपनी है ये कंपनी एक अमेरिका की कंपनी है। गाइज, ये जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें जो है वर्क होता है। यहाँ पर इसके बारे में जितना भी देखिए डिटेल में यहाँ पर थोड़ा सा व्यू दिया गया है। और देखिए, ग्लोबल लॉजिक इज लिसेंड ऑन टॉप इन डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज। गाइज, ये जो है टॉप कंपनी है डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी दैट ऑफर प्रोडक्ट कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्टनर सर्विस। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंजीनियरिंग छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की ओपनिंग की ओर चलेंगे। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप लोगों की वैकेंसी आ रही है इसकी मेन साइट और जो है naukri.com की तरफ से निकल कर आ रही है। गाइज, मैं आप लोग को मेन चीज़ ये बता देती हूँ, जितने भी हमारे HR हैं या कंपनियाँ हैं आजकल देखिए यहाँ पर naukri.com और जो है LinkedIn इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि सभी यहाँ पर जो भी जॉब जिसे चाहिए होती है या फिर सभी लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके रखते हैं, जिससे कि यहाँ पर HR को अपने एम्प्लॉय ढूंढने में आसानी होती है। साथ ही देखिए HR भी यहाँ पर जो अपनी मेन प्रोफाइल है उस पर जो आप लोग की हायरिंग है उस पर ना डालकर LinkedIn और naukri.com इन दो प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर डालते हैं। तो इसीलिए गाइज, आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना और साथ ही आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, देखिए यहाँ पर ये लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलप्स इंजीनियर। तो ये इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए 0 to 1 year एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप लोग की डिस्क्लोज है, पुणे नोएडा, पुणे बेंगलुरु आप लोग की जॉब लोकेशन रहेगी। गाइज, अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप लोग IT इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं या फिर आप लोग के पास थोड़ा बहुत फ्रेशर एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोग की एजुकेशन की बात करें तो गाइज यहाँ पर आप लोग की एजुकेशन है, जैसे BTech आप लोग को यहाँ पर किया है, BTech किया है आप लोग यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें किसी भी ब्रांच से, BE किया है, MTech किया है, MCA किया है। साथ ही यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है डिप्लोमा, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि गाइज ये जो सेक्टर है यहाँ पर हायरिंग करता है ओनली ऑन टेक्निकल छात्र की। तो यहाँ पर डिप्लोमा जो है देखिए इसकी जो दूसरी प्रोफाइल थी उसमें आप लोगों का डिप्लोमा दिया गया था, साथ ही इसके फॉर्म में भी यहाँ पर डिप्लोमा दिया गया है, इसलिए आप लोग डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए आप लोग उसी मेन परसेंटेज आप लोग की 60% होनी चाहिए। आप लोग की देखिए सैलरी रहेगी 4 lakh प्लस आप लोग की सैलरी रहेगी। साथ ही देखिए आप लोग इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप लोग इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल देखिए यहाँ पर जो है आप लोग की इंजीनियरिंग डिग्री हो या फिर कुछ भी आप लोग के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए आप लोग की फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रहेगी। की स्किल में आप लोग जैसे पाइथन आता है आप लोगों को या फिर अदर कोई लैंग्वेज जाती है आप लोग अप्लाई करें। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब देखिए यहाँ पर जो है BE, BTech, एनी स्पेशलाइजेशन साथ ही डिप्लोमा वाले। अंडर ग्रेजुएट में गाइज डिप्लोमा भी आता है तो इसीलिए आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ भी आप लोगों से अंडर ग्रेजुएट बोला जा रहा है वहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बोला जा रहा है तो इसका मतलब आप लोग एलिजिबल नहीं है, या फिर आप लोगों से ग्रेजुएट कहा जा रहा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं आएंगे। अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका इस प्रोफाइल के लिए गाइज यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ से ठीक है ये अप्लाई करेंगे। साथ ही देखिए
नेक्स्ट प्रोफाइल की मैं बात करती हूँ, तो देखिए इस प्रोफाइल के लिए गाइस ओनली ऑन फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जीरो एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं कर सकते। लोकेशन आप लोग की गुड़गांव रहेगी, एसोसिएट एनालिस्ट की आप लोग की यहाँ पर जॉब रहेगी। साथ ही देखिए आप लोग स्कॉल करेंगे, 100 ओपनिंग इसमें दे रखी है। आप लोग की रोटेशन शिफ्ट रहेगी गाइस, इसमें रोटेशन आप लोग की शिफ्ट रहने वाली है। आप लोग की जो सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब 2 लाख LPA यहाँ पर रहेगी, आप लोग की फिक्स यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन गुड़गांव दिल्ली NCR आप लोग की रहने वाली है, फ्रेशर एलिजिबल है। साथ ही देखिए यहाँ पर डाटा एनालिसिस सेल परफॉर्म आप लोग का रहने वाला है, और देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी देख सकते हैं। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। गुड आप लोगों की रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आप लोग की थोड़ी स्किल अच्छी होनी चाहिए, जैसे लिखना आप लोग को अच्छा आना चाहिए, और साथ ही देखिए आप लोग की जो बोलने की स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। MS ऑफिस आप लोग को आना चाहिए, MS ऑफिस, MS वर्ड, यहाँ पर ये थोड़ी चीज़ें देखिए यहाँ पर दी गई हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों से मांगी गई हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा ये चीज़ आप लोग थोड़ी मेन है। अब यहाँ पर आप लोग का बेनिफिट दिया गया, क्या क्या बेनिफिट होगा थोड़ा स्क्रॉल करेंगे गाइस, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हमारे वो इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या अभी मैं अप्लाई करके बता दूंगी किस तरीके से करना है। तो पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। परमानेंट जॉब रहेगी, फुल टाइम परमानेंट, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट देखिए यहाँ पर आप लोग अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट नॉट रिक्वायर्ड एनी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। और साथ ही देखिए यहाँ पर जो है आप लोग ओनली ऑन ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्म को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ये जो लिंक दी गई है यहाँ से आप लोग ओपन कर लेंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके का आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को देखिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर देना है सर। तो यहाँ पर आप लोग को करना है नो, नो करने के बाद आप लोग कर देंगे नेक्स्ट यहाँ पर। देन देखिए आप लोग यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे, ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आप लोग करेंगे नेक्स्ट। तो गाइस इस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे, और फिलअप करने के बाद ये कर देंगे सबमिट। सबमिट इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। देन हम लोग इस प्रोफाइल की, अब देखिए नेक्स्ट प्रोफाइल की मैं बात करूंगी। देखिए गाइस नेक्स्ट जो प्रोफाइल है आप लोग की अपॉर्चुनिटी है एंड्रॉइड डेवलपर्स की, यहाँ पर 0 to 1 year एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए लोकेशन आप लोग की नोएडा रहेगी, सैलरी डिस्क्लोज की गई है क्योंकि गाइस आप लोग के पास अगर 1 year एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी सैलरी। यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बीई और जो बीटेक है, एमटेक है, एमसी है, पास आउट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2021 और जो 2020 वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जो अभी 2022 में पास आउट होने वाले हैं वो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर 60% आप लोगों की यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब आप लोग की मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर होनी चाहिए। ओनली ऑन नोएडा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नोएडा के कैंडिडेट नहीं हैं या फिर आप लोग वहाँ पर रह सकते हैं, कहने का मतलब है आप लोग की वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगी और आप लोगों को उस लोकेशन पर रहना होगा, वहीं पर रहकर जॉब करनी होगी। अगर वहाँ पर रिलोकेट हो सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को थोड़ा मतलब लर्निंग वगैरह के बारे में बात करें तो देखिए आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कोडिंग में, जैसे गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग स्किल, और बाकी आप लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आप लोग नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और एंड्रॉयड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्किल, ये सारी चीज़ें आप लोगों से मांगी गई हैं। और आप लोगों की यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर की आप लोगों की जॉब रहेगी, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। यहाँ पर देखिए बीटेक बीई एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी भी ब्रांच से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका देखिए यहाँ से आप लोग अप्लाई कर देंगे, और साथ ही देखिए इसका भी मैं गूगल फॉर्म आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग को मैं इन दोनों जॉब्स का गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आप लोग को गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस वहाँ पर मैं और भी आप लोग के लिए अपडेट देती रहती हूँ, और वहाँ पर आप लोग सभी को अप्लाई कीजिए। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।